Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel. Today's in this video we will talk about nutrients, nutrition, okay, and components of the food. So okay, let's start students. First of all, what is nutrition? Nutrition जिसे हम लोग हिंदी में पोषण कहते हैं. Nutrition है क्या student? So in order to maintain life, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, एक तरह का बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. सिंपल अगर ये लैंग्वेज में देखा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना को खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलता है स्टूडेंट. ठीक है, तो न्यूट्रिशन सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ इन विच इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स फ्रॉम फूड्स आर इंक्लूडेड. इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, बेसिक फंक्शन है लाइफ का. ठीक है, जिसमें खाना को हम लेते हैं और फिर इसे डाइजेस्ट करते हैं और हमारे बॉडी द्वारा उसके बाद खाना एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, और उसके बाद जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे इस प्रोसेस में, एसिमिलेशन प्रोसेस में आपके एब्जॉर्ब किया जाते हैं. ठीक है, एंड फाइनली इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होता है उसे हम लोग बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं. अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स है क्या? तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी और इट इज़ यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी. न्यूट्रिएंट्स एक तरह का सब्सटेंस है स्टूडेंट, फूड्स मटेरियल है. ठीक है, जिसमें हम इसे खाते हैं, ठीक है ना, और इससे हमें एनर्जी मिलता है और यहाँ तक कि हमारे बॉडी बिल्डअप के लिए, बॉडी का फॉर्मेशन के लिए भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. अब कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है इससे हमें एनर्जी मिलता है, एनर्जी का सोर्स है. ठीक है, जबकि वेयर एज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स यूज फॉर बायोसिंथेसिस. अब इसमें क्या होता है, मिनरल्स और प्रोटीन्स है हमारा बॉडी, प्रोटीन से हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्स का फॉर्मेशन होता है और आप कह सकते हैं सिंपली बॉडी हमारा बिल्डअप करने में काम करता है, बायोसिंथेसिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, इमेज में आप देख सकते हैं. ये देखिए सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन है, ये सारे फूड्स मटेरियल वगैरह जो भी हम खाते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट. तो फर्स्ट है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर एंड वाटर. ठीक है, तो अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स. सो ओके, लेट्स गो. तो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, इट्स का मतलब ये कार्बन से बना हुआ है स्टूडेंट. ठीक है, तो जो चीज़ें कार्बन से बना होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1. ठीक है, अनुपात जिसे हम लोग कहते हैं, कि कार्बन का सिर्फ एक हिस्सा होगा, है ना, वन पार्ट, और हाइड्रोजन का दो पार्ट होगा और ऑक्सीजन का एक पार्ट होगा. तो कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर, चीनी, है ना, एंड स्टार्च आर मेजर इनटेक इन एनिमल्स एंड ह्यूमन. तो ये शुगर और जो स्टार्च है स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है जो एनिमल्स और ह्यूमन, हम लोग भी ये मेजर सोर्स हैं, सबसे ज़्यादा बॉडी में हम लोग लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं. ठीक है, और एनर्जी भी हमें इसी से प्राप्त होता है. अब देखिए कितना एनर्जी प्राप्त होता है, 50% to 75% एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इसका मतलब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उससे रिएक्शन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है. ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे डिटेल्स, बाकी अभी याद रखना है तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? सो कार्बोहाइड्रेट्स वर्क एज अ फ्यूल, एक तरह का ईंधन का काम करता है हमारे शरीर में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, और इसी से हमें एनर्जी मिलता है स्टूडेंट। एंड 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ग्लूकोज अगर हम खाते हैं, लेते हैं, तो 4.2 किलो कैलोरीज हमें मिलता है फूड से या ऐसे भी जो बना हुआ आता है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। अब सेल में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तुरंत से एकदम फटाफट, तो ग्लूकोज आपका जो है यही आपका सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी है, जो जल्दी से एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो वीट, राइस, ठीक है, गेहूँ, चावल, मेज, स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए राइस और भी बहुत सारी चीज़ें, मीठी मीठी चीज़ें जो होती है, स्वीट्स वगैरह, है ना, रसगुल्ला वगैरह, ये सारे चॉकलेट्स वगैरह। स्टार्ची फूड से देखिए ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता, राइस, पोटैटोस, बीन्स एंड चेस्टनट्स। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जिसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है, मिनरल्स भी है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।